अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको सिखाएंगे कि एक्सेल पे सैलरी प्लस बोनस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ये एक मेरे पास डाटा है, इसमें कुछ सैलरी बोनस टोटल मैंने लिया हुआ है। आप इसको टेबल है ये देख सकते हैं, ये देखें, ये यहाँ पे मैं अगर F2 दबाऊँगा जिससे एडिटिंग होती है तो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा कि ये किस तरह की है। ये देखें, फिर B3 प्लस C3 ऐड किया हुआ है, इसी तरह ऊपर वाला भी किया होगा। तो ये बहुत मुश्किल तरीका है। ये देखिए, यहाँ से आपको नज़र आएगा सैलरी प्लस बोनस, ये एक आसान तरीका है जिसके ज़रिए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू करेंगे सैलरी प्लस बोनस, यहाँ पे आ जाएगा एरर। ये देखिए, नेम एरर आ गया, मतलब हमने कुछ गलती किया। लेकिन हालाँकि पहले तो हमने यही लिखा था कि सैलरी प्लस बोनस करेंगे, तो इसका भी एक तरीका है, इसको अरेंज कर दें। ये देखें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सैलरी वाले कॉलम में आएंगे, तीनों सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी होंगे हम वो तीनों सेलेक्ट कर लेंगे। ये लेफ़्ट साइड पे आपको आ रहा शो हो रहा होगा, जहाँ पे नंबरिंग दी होती है, यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरी, इसका नाम रख देंगे सैलरी। इसी तरह हम बोनस के साथ करेंगे, बोनस को सेलेक्ट करेंगे और बोनस को सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे C2 की जगह हम नाम रख देंगे बोनस। ये बोनस हो गया। अब यहाँ पे आके हम इक्वल टू लिखेंगे सैलरी प्लस बोनस, तो हमारा टोटल आ जाएगा। ये देखें एंटर 500 और 50 हो गया, ठीक है। इसी तरह हम नीचे आएंगे सैलरी के टोटल में, यहाँ पे इक्वल टू सम करेंगे और सैलरी करेंगे, तो ये पूरा सेलेक्ट होकर हमारे पास टोटल आ जाएगा। इसी तरह हम बोनस का भी कर सकते हैं, सम लिखा, ब्रैकेट डाली, बोनस लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखें, ठीक है। अब इसको हमने नीचे फिल करना, हम इस पे कॉर्नर पे ला कर डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ये देखें, वहाँ पे आके F2 दबा के आप देखेंगे तो आपको वही नज़र आएगा। अब आप यहाँ से अगर इसे कॉपी करेंगे और कहीं पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको दिखाएगा कि ये सैलरी का सम है। लेकिन मैं इसको कंट्रोल जी करके अंडू कर देता हूँ। ये देखें, वापस ऐसे ही हो गया। बस इक्वल टू करेंगे, अब हम सम करेंगे टोटल का, यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। ये देखें, एंटर, ये एंटर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने टोटल का नाम नहीं चेंज किया था। यहाँ पे आके टोटल का नाम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे जो हमने सम किया था वो चेंज हो जाएगा। ये देखें, अब आपकी बारी है, आप ट्राई करें इसे, कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।